नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और आज दिख रहा है आपको, तैयार हो चुका हूं और निकल रहे हैं। सबसे पहले पार्किंग से लेंगे मोटरसाइकिल और उसके बाद आज हम जाने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, एक इंडस्ट्रियल एरिया है बवाना। खिली हुई धूप जो कि अब से कुछ देर पहले ही तकरीबन एक डेढ़ घंटा, एक घंटा ही हुआ होगा जो धूप आई है, अदरवाइज रात को या अर्ली मॉर्निंग बारिश हुई और आसमान अभी भी स्कैटर्ड जो है, आसमान में बादल और उसके अलावा टेम्परेचर जो अभी बता रहा है, टाइम हो गया है 1:45, 1:39 और टेम्परेचर अभी है 27 डिग्री, जो कि आज जाएगा मैक्सिमम 29 तक, वो भी तकरीबन बता रहा है 4 बजे तक, 3 से 4 बजे तक 29, उसके बाद नीचे आने लगेगा। सो मौसम कुछ देर पहले यानी एक घंटे पहले तक तो बड़ा सुहावना सा लग रहा था, पर अब फिर से गर्मी होने लगी है। इनफैक्ट मैं तो ये लाइट सी एक जैकेट, क्योंकि अब मोटरसाइकिल में जाना है बवाना, सो इट्स लाइक सबर्ब्स ऑफ दिल्ली नॉर्थ वेस्ट साइड में, तो थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो मैंने सोचा था कि बाइक पे जाएंगे तो हाथ वगैरह साफ रहेंगे, तो ये पहन आया था। पर अब ये लग रहा है कि गर्मी, जब बाइक पे जाऊंगा मोटरसाइकिल पे तो शायद थोड़ा ठीक महसूस करूँ। ये मैं रोहिणी से बवाना की तरफ आ गया और बवाना पहुँचने से पहले एक चीज़ जो मुझे दिखी, मुझे लगा कि मेरे को आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो दिल्ली में एयरपोर्ट तो आपने सुने होंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके 3 टर्मिनल अब हो चुके हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। उसके अलावा एक पुराना एयरपोर्ट है दिल्ली में जो है सफदरजंग एयरपोर्ट, और दिल्ली के पास एक और एयरपोर्ट पड़ता है हिंडन एयरपोर्ट जो कि गाज़ियाबाद में है। तो उसके अलावा एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए रोहिणी हेलीपोर्ट, ये पड़ता है रोहिणी के अंदर, दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें रोहिणी एक जगह है जो कि बिल्कुल लास्ट में आ चुका हूँ, तो यहाँ पे है ये रोहिणी हेलीपोर्ट। इसके आगे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक ना रोड के ऊपर काम चल रहा है, वो सामने देखिए वहाँ पर एक फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है, और ये है रोड जो कि दिल्ली के अंदर से ही एक और बाईपास का काम करेगी। इस तरफ को जो है इसको बोलते हैं, इस रोड को UER2 यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, इस तरफ को जाएगी ये दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद साइड में निकलेगी और इस तरफ से आ रही है जो रोड, इस तरफ से वो आएगी नेशनल हाईवे 44 से। तो ये रोड ऑलमोस्ट जो है दिल्ली को बाईपास कर देगी एक तरह से, जो कि नेशनल हाईवे 44 जो नॉर्थ एरिया, जैसे इस तरफ से अगर पंजाब वगैरह से, हरियाणा से, राज और इस तरफ को क्या नाम है हिमाचल या जम्मू एंड कश्मीर से, आप दिल्ली से पहले ही इस रोड के ऊपर चढ़ जाएंगे और फिर ये फ्लाईओवर्स का काम आप देख सक रहे हैं, ये सामने चल रहा है। और ये रोड इस तरफ जाते हुए नेशनल हाईवे नंबर 48, इसका मतलब गुड़गांव के बिल्कुल पास में एयरपोर्ट से जस्ट नेक्स्ट, ये रोड वहां जाके मिलती है। तो ये रोड कनेक्ट करेगी नेशनल हाईवे 44 को नेशनल हाईवे 48 से, सो नॉर्दर्न एरिया से आने वाला ट्रैफिक सीधा इस रोड से बाईपास होकर और गुड़गांव की साइड में, मतलब एयरपोर्ट के जस्ट बाद जाकर नेशनल हाईवे 48 पे मिल जाएगा। और ये देखिए काफिला आ रहा है, पता नहीं कहां से कहां तक ये जाएगा, ये देखिए सींग देखिए एक एक के क्या शानदार हैं, पूरा काफिला एकदम से चलता हुआ। आज हम आए हैं अपने पुराने मित्र मनीष जी के पास, जो जिनके लिए मैं कंसल्टेंट का काम भी करता हूं रोजी रोटी के लिए। तो मनीष जी आज ये आप हाय कर दीजिए मेरे व्यूअर्स को और कुछ कहना चाह रहे हैं, आप क्या क्या बनाते हो यहाँ? सर हम कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें हेयर केयर की रेंज है, कलर कॉस्मेटिक है और स्किन केयर की रेंज है। हमारे ऑलमोस्ट 70 से 80 प्रोडक्ट हैं इसके अंदर में विद ऑल SKU। तो कितने SKU होंगे अपने पास अप्रॉक्सीमेटली? मोर देन 80। तो भैया लोग, जैसे बताया कि मनीष जी के लिए भी कंसल्टेंसी करता हूँ इन प्रोडक्ट्स में से, या और कोई एडिशनल आपको थर्ड पार्टी लेबल चाहिए, अपने लेबल पे मैन्युफैक्चरिंग चाहिए,
या इन्हीं का प्रोडक्ट आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट मी। क्यों मनीष जी? बिल्कुल ठीक है, डन है। तो आप लोग मेरे ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, जिन लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय फ़ोन और बाय व्हाट्सएप, इस चीज़ के बारे में भी रिस्पॉन्स दे देंगे। मनीष जी ने मंगा लिए हैं यहाँ पे राजमा चावल हमारे लिए, तो ये राजमा चावल एंजॉय करते हैं, बाकी बात बाद में। तो मनीष जी ने बड़ी खातिरदारी कर दी भाई, अभी राजमा चावल खिलाए, फिर चाय पिलाई, और अब ये जाते जाते ना देखो गिफ्ट्स ये मनीष जी की तरफ से मिल रहे हैं, हैंड वॉश और फेस वॉश। तो मनीष जी मार्केटिंग के लिए देख लें अगर कोई आए तो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आप लोग बनाओ प्लान, अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आई एम हेयर ऑलवेज फॉर यू। अब बाय बाय करते हैं मनीष जी को और यहाँ से निकलते हैं। टेक केयर। अ वेरी वेरी टायरिंग डे, बहुत बाइक राइड कर ली यार आज, और अभी मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया है पार्किंग में, वॉकिंग टूवर्ड्स माई होम। घर पहुँचते हैं, फिर अगर कुछ और नया नहीं है तो फिर वीडियो एंड करते हैं। हाँ जी, पहुँच गए हैं घर पे और टायर्ड बहुत ज़्यादा फील कर रहा था, क्योंकि एक तो राइड थी, और राइड इनफैक्ट ये कोई इतनी बड़ी राइड नहीं थी, नॉर्मल थी, बट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, इतना धूल धुआं, वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है सड़कों पे, मिट्टी बहुत ज़्यादा ना, और एकदम से ना ये चेंज होता मौसम जो है ना, इसकी वजह से बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ। तो टायर्ड होने का ना एक ही जवाब है मेरे पास, एक बढ़िया सा कप चाय का। इनफैक्ट कप भी बढ़िया भी है और बड़ा भी है, तो चाय बन गई है, चाय पीते हैं और बाकी के काम फिर करेंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूं, जल्दी ही अच्छे कंटेंट्स, अच्छे इन्फॉर्मेशन लेके दोबारा हाज़िर हो जाऊंगा। साइनिंग ऑफ राइट नाउ। हाँ सॉरी, उससे पहले एक बार दोबारा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल आइकॉन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। सो टेक केयर, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।